इमरान खान जितना नौसर कोई नहीं। कोई एक अच्छा काम जो उसने किया हो अब पछता रहे? पछता रहे, पूरा मुल्क पछता रहा है, मैं पछता रहा हूँ। नाज़रीन, कहीं पे बड़ी अच्छी एक बात लिखी हुई थी जो वक्त के मुनासबत से भी है कि सफ़र तो हाथों की लकीरों पे बहुत लिखा है लेकिन लगता है कि पेट्रोल नहीं लिखा। इमरान खान साहब का कहना था कि अगर पेट्रोल महंगा हो जाए तो समझ जाए हुक्मरान चोर है, और आज मुल्क की तारीख में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट पर पेट्रोल बेचा जा रहा है। आवाम का हाल बेहाल है, गम और गुस्से की लहर पूरे पाकिस्तान में दौड़ रही है। आइए हम जानते हैं, हम इस वक्त एक पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं, लोगों से उनका हाल जानते हैं, उनके दिल का हाल क्या है, और अगर उन्होंने इमरान खान को वोट दिया है तो वो सेटिस्फाई हैं या फिर क्या राय रखते हैं, आइए जानते हैं। पेट्रोल कितने का डलवाया? 100 का। अच्छा, 100 का, मतलब इतना कम क्यों डलवाया? महंगा इतना हो गया, बंदा क्या कर सकता है इसमें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इमरान खान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इमरान खान जितना नौसर कोई नहीं। इमरान खान लानत तेरे पे। अच्छा, मुझे ये बताएं वोट किसको दिया था? पीटीआई को। तो खुश हैं? बहुत खुश हैं। क्यों खुश हैं? मतलब खुशी की 2-4 वजूहात बताएं, कोई एक अच्छा काम जो उसने किया हो। पहली वजूहात ये है कि उसने काफी जो है ना काम वगैरह काफी अच्छे किए हैं। वैसे भी अगर कोई भी अगर आप किसी जो पहले थे उनसे तो बेहतर है, जैसे चोरियां होती रही, आपके नॉलेज में इन चीजों सब कुछ है तो उसे काफी बेहतर है कि आप वो जो डाके मारते थे वो खत्म हो गए। और वैसे भी जब बंदा किसी एक घर में जाता है उसमें हर चीज टूटी हुई है, उसको उसको स्टेबल करने में टाइम लगता है, थोड़ा टाइम लगता है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? सर मुझे ये बताएं, पेट्रोल महंगा हो गया, क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल महंगा हो गया है, ये तो जब से ये गवर्नमेंट आई है उस टाइम से महंगा हो रहा है। ये 90 से या 80 रुपीज से ये अभी कितने चला गया है। इमरान खान तो कहता था नया पाकिस्तान बना दूंगा, तब्दीली ले आऊंगा, तो कोई तब्दीली आपको नजर आई है ना? तब्दीली आ गई, गरीब लोग मर रहे हैं, देख लो हमारे पास भी ये हमने 100 रुपए का डाला है, ठीक है, ज्यादा नहीं डाल सकते, यही बात है ना? पैसे ही नहीं है किसी के पास, उसने छोड़े पास पैसे नहीं, कौन सी चीजें, बिजली देख लें आप, इलेक्ट्रिक देख लें, मतलब आप मुझे ये बताएं वोट किसको दिया था? वोट किसको दिया था? इसी को दिया था। पछता रहे? पछता रहे, पूरा मुल्क पछता रहा है, मैं पछता रहा हूँ। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। ये बताएं पेट्रोल महंगा हो गया, कोई परेशानी हुई है या वैसे ही सही चल रहा सब? ये हमारा काम चार। तो इमरान खान ने जो आवाम पे जुल्म ढाया है वो इंटरेस्ट ही नहीं इतना ही न्यूज़ करा है हमारा। महंगा होते होते रहे। सर मुझे आप ये बताएं कि आपने किसको वोट दिया था? ऑब्वियसली नहीं दिया था, ट्राई किया था इन्हें देकर। पर ऐसी ट्राई करेंगे या नहीं? आई डोंट थिंक सो। इससे बंदे को अंदाजा होता है कि ऐसी ट्राइयां नहीं करनी चाहिए, ट्राइयां बाकी नहीं करनी चाहिए ऐसी खासकर। ये नलायकों की हुकूमत है, जो दुदकारा गया बंदा सारे जमे है, बिल्कुल नलायक किस्म के ये लोग हैं, अनपढ़ किस्म के, कोई शर्म या इनको है नहीं है, ठीक है। मुझे ये बताएं वोट किसको दिया? वोट जिसको भी दिल आ गया उसको देना, उस वक्त फिर बात होगी। इमरान खान को दिया था वोट या नहीं? क्यों नहीं दिया, अभी भी खुश है उससे? इमरान खान से सेटिस्फाई? बिल्कुल खुश। अच्छा, अगली बार इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान को ही वोट देंगे? फिर भी इंशाल्लाह, अगर जिंदगी तो देखिएगा, चाहे वो भूखा मार दे इमरान खान को वोट तेरा कभी इंशाल्लाह। बहुत सारे लोग इस तरह के हैं जो अपने कप्तान से बहुत प्यार करते हैं लेकिन जैसे ही पेट्रोल की कीमतें ऊपर गई हैं उनके प्यार का मीटर नीचे आ गया है। आपकी क्या राय है हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट। अल्लाह हाफिज़।